A very good morning to all students. We had read in our previous lecture about how we can change or how we can convert galvanometer to ammeter. Today we will discuss about how we can change the galvanometer to voltmeter. I think, student, you all must have understand your previous lecture. Let us start our today's topic, that is conversion of galvanometer into voltmeter. Students, as you all know that voltmeter is a device which is used to measure the potential difference in an appliances. जो किसी भी अप्लायंस में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं. एज यू ऑल नो, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर हमारे पास कोई ये बल्ब है और मुझे इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं इसके साथ क्या करूंगी, हमेशा पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करूंगी. क्या है, क्योंकि क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. स्टूडेंट्स, अब हमें क्या है, मान लिया हमारे पास एक बल्ब है कोई भी, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बल्ब है और हमें इस बल्ब का, मान लिया हमारे पास बल्ब है, इस बल्ब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बट हमारे पास वोल्टमीटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, गैल्वेनोमीटर. तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके साथ पैरेलल में गैल्वेनोमीटर को लगा देंगे. जैसे ये हमारा बल्ब है तो इसके साथ पैरेलल में हम किसको अटैच करेंगे, गैल्वेनोमीटर को. अब स्टूडेंट्स, आपको पता है पैरेलल में अटैच किया है तो दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मीन्स बल्ब में भी और हमारे यहां पे भी गैल्वेनोमीटर, दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. तो हम देख सकते हैं पोटेंशियल, अगर हमने यहां से आई करंट फ्लो किया, आई करंट गया, यहां पे क्या हो जाएगा, आईजी. आईजी क्या था स्टूडेंट्स, इट इज मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर विच गिव फुल स्केल रीडिंग. हमने देखा था मैक्सिमम करंट है जिसके जो फुल स्केल रीडिंग देता है. उसके बाद क्या है, कितना ही करंट इंक्रीज कर लो, आपकी जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर में, मीन्स जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसके बाद वो और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है सबको V इक्वल टू आई आर, और इसके गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, आई क्या है यहाँ पे, आईजी से इंटू में, मैंने मान लिया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर किससे डोनेट किया, जी से, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी. ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस. तो स्टूडेंट, अब क्या हुआ, हम ये देखते हैं जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा. मान लो कि हमारे पास क्या है, जो आईजी है क्या है, बहुत कम वैल्यू होती है इसकी, करंट की क्या है, वेरी वेरी स्मॉल. कितनी ले सकते हैं, हमने कहा था मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में ये मेजर करता है, एम्पियर्स में मेजर नहीं करेगा. तो हमने माना इसकी वैल्यू क्या है आईजी की, 10 मिली एम्पियर, और हमने मान लिया जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो कितना है, 10 ओम. तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी, मिली एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, 10^-3 ऑफ 10 × 10^-3 × 10, तो कितना आ गया, 10^-1 मीन्स 0.1 वोल्ट. तो हमने देखा जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी हुआ तब भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर पाए हम, 0.1 वोल्ट. अब यही हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ये वोल्ट मीटर की तरह क्या करे, बड़ी रीडिंग्स को भी मेजर करे, बट ये तो बहुत स्मॉल रीडिंग है. और ये किसके लिए है, जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और वैल्यू क्या होंगी, फुल स्केल से कम ही होंगी, 5 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर या फिर 3 मिली एम्पियर. तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वो भी क्या है, बहुत ही स्मॉल दे रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
गैल्वेनोमीटर के साथ एक हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास ये बल्ब है तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्या है ये, हैवी रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूंगी तो हमारी रीडिंग्स में कैसे डिफरेंस आएगा वो देखो स्टूडेंट्स आप, क्या होगा, ये तो उतना ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। किसके लिए, मान लो हमने 10 लिया था तो यहाँ पे 10 ही ले लेते हैं आईजी, कितना हो जाएगा आईजी, वही रहेगा कितना, 10 मिली एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या ले ली हमने, 10 मिली एम्पियर, और हैवी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मान ली कितनी है, 990 ओम। तो हम अगर इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, वी क्या आ जाएगा, आईजी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इसके अक्रॉस भी और बल्ब के अक्रॉस भी, तो आईजी इनटू, अब क्या है, जी के साथ इस रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर के एक और हैवी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, दोनों एड हो जाएंगे जी प्लस आर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईजी कितना है, 10 मिली एम्पियर इंटू जी कितना है स्टूडेंट्स आपका, चलो जी का हम मान लेते हैं, हम स्मॉल डिफ्लेक्शन लेगा या कोई भी, हमने स्मॉल इसकी रेजिस्टेंस माना 10 ओम, तो 10 प्लस 990 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1000, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, कन्वर्ट कर 10 × 10⁻³ 10 वोल्ट। तो इस तरह से हम और भी अगर देखना चाहते हैं, मान लो हम हैवी रेजिस्टेंस लेना, आईजी की वैल्यू हमारा वही मान ली हमने 10 मिली एम्पियर, और ये हमने माना 10 ही है इतनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और हैवी रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 9990 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, जी प्लस आर, इसमें एड करोगे तो 10,000, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 वोल्ट। तो हमने देखा जब सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ कोई हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके वोल्टमीटर में। अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो हम यहां से निकाल सकते हैं, मान लो हमें हैवी रेजिस्टेंस ही निकालना है तो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजली आईजी इनटू आर, मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, वी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आईजी इनटू जी, हमें क्या निकालना है, हैवी रेजिस्टेंस वी अपॉन में आईजी माइनस जी। इन दिस वे यू कैन फाइंड एनी वैल्यू इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट छोटी छोटी बातें हैं जैसे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो उसके लिए आपने क्या किया था, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था एमीटर में कन्वर्ट करने के, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस में वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जबकि आप कन्वर्जन ऑफ जो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में करना है तो आप क्या कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को ले रहे हो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए बहुत जरूरी हैं, ये प्रैक्टिकल्स में कई बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स हम न्यू चैप्टर जो हमारा स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड यूनिट, तो हम उसको ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, तो ओके स्टूडेंट गेट रेडी।